हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग आज होने जा रहा है वो रिलेटेड है कसोल से। आज हम इस व्लॉग में कसोल को कवर करेंगे। कसोल एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव है जो कि भुंतर और मणिकरण के बीच में स्थित है। चलो चलते हैं कसोल। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आपके पड़ोसी बस जस्ट अभी उठे हैं जी? बिल्कुल, वादियों का मजा लेते हुए सुबह सुबह। बिल्कुल, कॉफी कॉफी कैसा ऑर्डर की बनाई? ओके ओके, सही है। टाइम गए ना 7:30? 7:30 बज चुके हैं आज, और ये आज है 22। और आज हम जाने कसोल जाएंगे ना। कल का डे बहुत ज्यादा टायरिंग था, थक गए थे बहुत ज्यादा। रोहतांग पास पे भी और आते हुए भी बहुत जाम मिला। आज हमने डिसाइड किया क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो क्यों ना आज आराम से उठा जाए। अभी सब सो रहे हैं, बस हमारे भैया और भाभी जाग गए हैं। कॉफी पर अभी आएंगे। आज का प्लान है कसोल जाने का। कसोल में जो भी पॉइंट कवर होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल क्या हुआ, हमें जाते जाते और आने में बहुत ज़्यादा जाम भी मिला और हम थक भी गए थे। और लास्ट टाइम पर हमारी कार भी ख़राब हो गई। हमारे जो कार का कूलेंट था वो बिल्कुल ज़ीरो पर चला गया, जिसकी वजह से हमारी कार ओवरहीट हो गई। अभी वो सब देखना है, वो सब ठीक करना है, उसके बाद हम कसोल जाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय। और ये है ब्यूटीफुल व्यू मोक्सा वैली की बालकनी से। आप देख सकते हैं दूर पहाड़ों पर स्नो है और जो पास के पहाड़ हैं वो कम्प्लीटली ग्रीन है। ये व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हैं। हेलो चिकू, अभी हम सब रेडी हो चुके हैं। चलो चलो अपना बेटा, नीचे मत आना, लगू अभी। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। मनाली को बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय मनाली। हाँ, और इसके बाद चलते हैं कसोल। दिल्ली से मनाली 550 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए हमारी जो दोनों कार थी उनका कूलेंट बिल्कुल ज़ीरो पहुंच गया है और ये दोनों कार ओवरहीट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी कार को अभी टेम्परेरली वाटर से आगे ले जाना है ताकि हम इसे पेट्रोल पंप के पास कूलेंट डलवा सकें अच्छे से। ये दोनों कार में अभी कोई कूलेंट नहीं है। अभी हम सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाएंगे, अपनी कार में कूलेंट डलवाएंगे, उसके बाद हम कसोल के लिए निकलेंगे। कसोल पहुंचने के बाद मैं बताऊंगी हम कौन से होटल में रुके हैं, कहां पर जाना है, हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं। और ये व्यू जो है ये मोक्सा वैली होटल का व्यू है। ये होटल भी अच्छा था, यू कैन स्टे हियर, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा यहाँ से। सर्विस काफ़ी अच्छी थी अगर फूड की बात की जाए।
फूड भी अच्छा था, टेस्ट वाइज भी अच्छा था और सराउंडिंग्स भी इसके और व्यूज दोनों ही अच्छे हैं। हेलो, डैडी की कार वो जा रही आगे। अब हम अपने आपके चाचू की कार में बैठे हैं। हाँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं चिकू? लो, कहाँ जा रहे हैं बताओ? माल रोड जा रहे हैं, मनाली के माल रोड। I love my माल रोड। माल रोड मनाली में जा रहे हैं और हम क्या करेंगे इधर पे? शॉपिंग। और हमारे माल रोड, माल रोड में अभी हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करने के बाद हम कसोल की तरफ बढ़ेंगे। तब तक बच्चों को थोड़ी शॉपिंग कराई जाए। क्या बेटा, क्या चाहिए आपको? नहीं, आगे से लेंगे, भी अच्छे हैं। चलो, क्या लाफिंग मोमो सिड्डू चेक करो ना पहले, पहले टेस्ट कर लो, वन कर लो पहले। एक ले लेते हैं। मैंने वैसे ट्राई किया हुआ है मनाली में। अच्छा, दो लगा, मुझे अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट में हेल्दी है। चलो सिट ही आके फिर भी एक ट्राई कर लो। चलो मैंने पहले तो कभी ट्राई नहीं की, फर्स्ट टाइम करूंगी। आपने किए पहले कभी ट्राई? अच्छा नहीं लगता मैं। और ये जो इसका बेस है वो किस चीज का बना है? हाँ हाँ, ये बनता है आटा और मैदा। आटा और मैदा। और ये क्या चीज है? ये सोयाबीन। सोयाबीन ये इसमें रखते हैं, अभी ओपन नहीं करना। क्या लाफिंग है? लाफिंग लाफिंग आपने खाया नहीं है क्या? लाफिंग मोमो एंड सिड्डू। सिड्डू वो है वाइट कलर का, एक प्लेट में चार रखा है। लीजिए सर, लीजिए सर। आप लोग कर लिए टाइप बड़ी आप करो खाओ सर। आप ट्राई। अच्छा मैडम कर रही हैं। वाओ सो यम्मी। ब्रिलियंट। और ये चटनी कौन सी है अंकल? ये रेड वाली स्पाइसी होती है। स्पाइसी वो रेड चिली से बनते हैं? रेड चिली, रेड चिली। हाँ हाँ। और ये क्या? ये लहसुन का पेस्ट। अच्छा, लहसुन का पेस्ट। और ये वाटर? ये विनेगर। विनेगर, ये सोया सॉस। बाद में लग रहा है। ये खा लेते हैं, हिचके लग जाएंगे मुझे, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमने अभी लाफिंग टेस्ट किया है। अब ये सिडो है, फर्स्ट टाइम ही हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैं टेस्ट कर रही हूँ। और मुझे सीरियसली ही अच्छा नहीं लगा। ये मनाली की मॉनेस्ट्री है, अभी हमने मॉनेस्ट्री में एंट्री की है। देखते हैं हम मॉनेस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स कवर करते हैं। ऑन द वे टू कसोल हमें ये मॉनेस्ट्री दिखाई दी,
और हमने इसमें एंट्री की। थोड़े ही समय में ये मॉनेस्ट्री कवर हो जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम सीधा माल रोड की तरफ बढ़ते हैं और माल रोड पहुंच जाते हैं। और ये है मनाली के स्पेशल माल रोड के। चलो हम आपको मोमोज की गली में लेके चलते हैं मनाली में। और हमारे दोनों बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, हम बस वादियों के मजे ले रहे हैं और दुकानों को देख रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर माल रोड घूमने के बाद हम फिर से निकल गए कसोल की तरफ। कसोल अभी हमें यहाँ से पहुँचने में लगभग 2.5 घंटा लगेगा, इसीलिए अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी हम टाइम से पहुँचेंगे। ब्यास रिवर, यहाँ पर ये है ब्यास रिवर। अभी हम यहाँ पर आए हैं एंजॉय करने के लिए। ये है देखो, मैं बहुत पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए इस डॉग को, ये यहाँ पर बना हुआ है खतरों का खिलाड़ी। ये कैसे नदी को पार करता है, और नदी पार कर ली है इस डॉगी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ अरेंज की गई थी। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे इसे ट्राई करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा छोटा बेटा जो इसे कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ में अभी चोट लगी हुई है, वो नहीं कर सकता। छोटे छोटे चीकू, छोटे छोटे। यहाँ पर ये कसोल जाते वक्त थोड़ा बीच में हमें एक स्पॉट दिखाई दिया, जहाँ पर ये बच्चों की एक्टिविटीज़, बड़ों की एक्टिविटीज़, और ये सामने ही रिवर थी। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर। अब हमें कसोल पहुँचना है। अगर मैं बात करूं मनाली और कसोल दोनों जगह की, तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मनाली जो है वो बहुत ही एडवेंचरस है। अगर लोगों को थ्रिल्स पसंद है, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर पसंद है, तो वो मनाली को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि रोहतांग पास अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एडवेंचरस है। और बात की जाए अगर कसोल की, तो कसोल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और स्पिरिचुअलिटी आपको यहाँ पर महसूस होगी।
यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा मतलब काम है, आपको यहाँ पर आकर बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये दोनों ही जगह अपने आप में डिफरेंट हैं और दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आ गया। हाँ जबरदस्त है, मैं समझ गया था इधर कसौल का ना म्यूजिक वगैरह चल रहा। चलो यहाँ पर हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, द अमेजिंग कसौल इन। और यहाँ पर पहुँचते हमें रात हो गई है, तो आज का हमारा जो दिन था वो कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है। बस आज रात हमें यहाँ पर सोना है। ये हम अपने होटल पहुँच चुके हैं कसौल इन, और होटल लाजवाब है, इसका व्यू आउटस्टैंडिंग है और बहुत ही अच्छा। तीनों है ये पूरे कहाँ गए सत्येंद्र जी? वे चेरी को लेकर भी नीचे डांस करा रहे हैं। एक रूम का एक व्यू देख। बाथरूम नीट एंड क्लीन, वेरी सेटिस्फाइड। हेलो, आवर न्यू होम। फ्रिज, छोटू सा फ्रिज भी है इसमें, है ना चिको? यार सीरियसली होटल का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तो ज़्यादा मॉर्निंग में पता चलेगा, लेकिन अभी तो रात हो चुकी है, रात में ही हमें इतना खूबसूरत लग रहा है। दिन का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी सुबह के 8 बजे हैं और ये हमारा लास्ट डे ऑफ ट्रिप है। ये मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये होटल द कसौल इन, ये यहाँ का बालकनी से व्यू है, व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये नीचे की तरफ से होटल का व्यू, हेलो भैया, हेलो, गुड मॉर्निंग, कब उठे? ना हो गया था, वैसे मैं उठ के एक बार कर लिए तो फिर दोबारा। अच्छा, देखो पार्वती रिवर। हाँ, पार्वती रिवर तो कभी सुने नहीं। पार्वती रिवर, हाँ पार्वती रिवर। और सभी उठ चुके हैं, अब बच्चे भी उठ गए हैं। ये चीकू उठ गया है, चीकू की मौसी उठ गई है, लब्बू उठ गया है, और सभी का ब्रेकफास्ट चल रहा है। अभी फटाफट हम ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होंगे और आज जो हम जाएंगे, हम कसौल में एक दो पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मणिकरण है, मणिकरण सबसे पहले हम मणिकरण जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर जाना है। यहाँ का जो मणिकरण है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो सबसे पहले हम वहीं जाएंगे। ये देखो सामने, ये पार्वती रिवर है। यहाँ पर रिवर एक्सट्रीमली
सूदिंग और एक्सट्रीमली आई कैप्चरिंग पॉइंट लगते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं रिवर के पास बैठकर। सिखाएंगे कैसे कैसे बोलता है लब्बू, लब्बू बोल के दिखाओ मम्मा को। चेरी क्या लेकर आया मेरा बेटा, सुगर। लब्बू लब्बू एक बार और बोल कर दिखाओ, ऐसे खाएंगे। लवी कर रही है, आनम। मेरा बेटा खा रहा है यहाँ पर छोले भटूरे ब्रेकफास्ट में। आ रहे हैं, हेलो सतेंद्र जी। और हमारी ब्रेकफास्ट के लिए टी आ रही है यहाँ पर, चीकू के डैडी और भैया। हेलो हेलो, चाय पी लो, चाय आओ गाइस, चाय पी लो। सतेंद्र जी लुकिंग वेरी एग्जॉस्टेड एनर्जल है मेरे पास, एक गिलास भर के एनर्जल पीना आप। एनर्जल इससे इन्हें अच्छा लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एप्पल ट्रीज हैं, यहाँ पर काफी एप्पल लगे हुए हैं, ग्रीन एप्पल वहाँ पर सामने है, ग्रीन एप्पल यहाँ पर एप्पल ट्रीज। ये मैं आपको और जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर ये एप्पल लगे हुए हैं। अभी हम नीचे आए हैं होटल, होटल से हम आपको पास से ये एप्पल ट्रीज दिखाएंगे। बच्चों को भी एप्पल्स देखने थे, देखो ये लगे हुए एप्पल। अगर कोई नीचे गिरा हुआ एप्पल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हमने पेड़ से एप्पल तोड़े तो इन्होंने फाइन लगाया हुआ है, वो भी 1000 रुपीज का। और उन्होंने मैक्सिमम पेड़ों पर कैमरे लगाए हुए हैं, तो ये तो भूल ही जाओ कि आप यहाँ से कुछ फल वगैरह तोड़ सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने करीब से एप्पल देखे हैं, एप्पल ट्रीज तो खूब देखे लेकिन एप्पल नहीं देखे। आप देखिए ये एप्पल लगे हुए हैं, कितने एप्पल हैं यहाँ पर, ये देखिए ये ग्रीन एप्पल। लेकिन हम यहाँ से इन्हें तोड़ नहीं सकते क्योंकि इन पर इन्होंने फाइन लगाया हुआ है। ये सामने से देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्पल ट्रीज हैं। चीकू देखो एप्पल, क्या हुआ डैडी के पास? टच, हाँ टच। ये होटल का व्यू है, ये होटल काफी बड़ा है और इसका व्यू तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा वंडरफुल है। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने काफी फ्रूट्स लगाए हुए हैं अलग अलग तरीके के। और सबसे अच्छा काम इन्होंने फाइन लगाने का क्या हुआ है, क्योंकि अगर फाइन नहीं लगाएंगे तो यहाँ से सभी लोग फ्रूट्स तोड़ेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल पर बच्चों को नहाना है। ओ वाओ देखो नाशपाती पेयर, पेयर देख लो, ये देखो नाशपाती भी लगी हुई है पेयर। ये यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर काफी फ्रूट्स लगे हुए हैं। हाँ ये देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल के पास आए हैं। वाओ लब्बू मजे आ रहे बेटा, डैडी स्विमिंग पूल में चले गए हैं। ठंडा पानी है क्या? ओ चीकू का डैडी ने तो पूरी डुबकी लगा ली।
जल्दी जल्दी बच्चों गेट रेडी, बाहर जाना है। लबु आपकी क्रॉक्स कहाँ है बेटा? लबु की क्रॉक्स कहाँ है? लबु की क्रॉक्स मिल गई। अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, रेडी होकर हम मणिकरण टेंपल जा रहे हैं, गुरुद्वारा जाएंगे वहाँ से। और सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें कूलेंट डलवाना था कार में, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और वैसे भी कसोल में आज हमें एक दो पॉइंट ही कवर करने हैं, सबसे पहले हम मणिकरण जा रहे हैं। चलो वहाँ चलकर मिलते हैं आपसे। हेलो, हाँ वो मैंने देख लिया था ऊपर। और ये फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, सो कूल। कसोल और मनाली के माउंटेन्स जो थे वो पता नहीं मुझे ही लगा या बाकी सबको भी लगा, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दिया दोनों में। मनाली के जो माउंटेन्स थे वो बहुत ज़्यादा लाइवली लग रहे थे, और कसोल के जो माउंटेन्स थे पता नहीं क्यों एक हॉन्टेड सी फीलिंग आ रही थी मुझे माउंटेन्स देख के अंदर ही अंदर। मणिकरण जाने के लिए जब हम निकले तो हमें रास्ते में काफ़ी जाम मिला, क्योंकि आप यहाँ की रोड्स देख सकते हो, ये मतलब ट्रैफिक के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं थी। अभी बीच बीच में इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन था और यहाँ पर जाम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। भाई जाम है पूरा जाम। चलो मणिकरण साहिब पहुंचने के बाद हमें जो एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो थी पार्किंग की। यहाँ पर इतना जाम लगा हुआ था और पार्किंग की जगह मिलनी काफ़ी मुश्किल थी, फिर भी हमें गॉड की कृपा थी कि हमें पार्किंग अच्छे से मिल गई और बस गाड़ी पार्क करके हम मणिकरण साहिब चल दिए। और अब हम आ पहुँचे हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। और एक्चुअली में मणिकरण साहिब जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में स्थित है। और इस गुरुद्वारे की खास बात ये है कि ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। आपने बहुत से गुरुद्वारे विज़िट किए होंगे पहले, लेकिन इस गुरुद्वारे की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा और सिखों के गुरु नानक की प्रतिमा दोनों देखने को मिल सकती हैं। और ये दोनों प्रतिमाएं दो मान्यताओं, दो कथाओं पर आधारित हैं, वो दोनों ही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
हिंदू कथाओं के अनुसार यहाँ पर माना जाता है कि एक बार माता पार्वती और शिव जी घूमने निकले थे, तभी उसी दौरान माता पार्वती जी की जो कान की बाली थी वो पानी में जाकर गिर गई। तब भोलेनाथ जी ने वो बाली ढूंढने का निर्णय लिया और पाताल लोक से जाकर शेषनाग से वो बाली वापस ली। उस टाइम शेषनाग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में आकर एक ऐसी फुंकार मारी कि नीचे से पानी की धार निकली जो बिल्कुल खोलता हुआ पानी था, गर्म पानी था। दूसरी जो कथा है वो सिखों से रिलेटेड है। माना जाता है कि एक बार गुरु नानक अपने 5 शिष्यों के साथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने लंगर के लिए एक शिष्य भाई था जो कि जिनका नाम मर्दाना था, दाल आटा मांग कर लाने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने उनसे एक पत्थर भी लाने के लिए बोला। और जैसे ही मर्दाना ने पत्थर उठाया वहाँ से गर्म पानी की धारा निकलती हुई दिखाई दी और तब से लोग मानते हैं कि यहाँ पर गर्म पानी लगातार बह रहा है और इसी तरह वहाँ पर कुंड का भी निर्माण हुआ। मणिकरण से रिलेटेड बहुत सी खास बातें हैं। एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो झरने बहते हैं वो गर्म पानी के हैं और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं इसमें डुबकी लगाने के लिए। और ये भी माना जाता है कि अगर हम इसमें डुबकी लगा लेते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियों का उपचार हो जाता है और अगर किसी को मांसपेशियों का दर्द है वो भी इससे चला जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस गुरुद्वारे के लिए बेहद ही रोमांचक रहा क्योंकि यहाँ जितना कि नदी का पार्वती नदी जो यहाँ की बहती है उसका बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये थोड़ा सा मतलब डरा भी सकता है आपको। अभी जो 2023 में नेचुरल कैलेमिटी आई थी वो आपने देखा होगा कि हिमाचल में आई थी और ये जो गुरुद्वारा था मणिकरण गुरुद्वारा और ये जो पार्वती रिवर थी वो पुल को पार कर गई थी, वो ब्रिज भी टूट गया था। और हमेशा मॉनसून में हमें यहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप जब भी मणिकरण जाने का प्लान बनाए तो वहाँ कैसा मौसम है ये देखकर ज़रूर जाएं और बरसात के मौसम में बिल्कुल भी ना जाएं और जो पार्वती रिवर वहाँ पर बह रही है उसमें नहाने की बिल्कुल भी ना सोचें। ये गुरुद्वारे के अंदर का व्यू है जहाँ पर हम मुश्किल से 5 से 6 मिनट बैठे और फिर ऊपर जाकर लंगर प्रसाद हमने खाया। माने थाए को लेव ठाकुर जिन्हें सब कल धारिया तो बटनपुर के बस किया आदिपुरख बनवार। यहाँ पर मणिकरण में जब आप अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये चावल मिलते हैं, चावल ये 20 रुपये या 30 रुपये के चावल होते हैं, चावल और काले चने जो कि आपको लेने के बाद यहाँ जो गर्म पानी के चश्मे बने हुए हैं आपको उसमें डालकर ये पकाने पड़ते हैं। तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक ये पक ना जाए अच्छे से। अभी 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम अपने होटल वापस आ चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। कसोल होटल पहुंचते ही हमने यहाँ पर बॉनफायर की अरेंजमेंट कराई और रात को हमने फुल एंजॉय किया।
से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे। और इस मैस्मराइजिंग पार्टी के साथ साथ आज का हमारा ये व्लॉग भी एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही व्लॉग अपडेट करती रहूँ, इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जल्द ही मैं दूसरे व्लॉग के साथ अपडेट होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।